चाल अंपायर साहब की विसल के साथ 0-0 की सर्विस और तौसीफ की गेंद बनाएंगे गुलजार के लिए। गुलजार का बहुत महाराज बोल रुक तर बे उसके साथ ही चेंज करने में कामयाब हो चुके हैं। पहले ही सर्विस में चेंज गिरा हो जाते दिया खान कुनवर और बहुत ही बेहतरीन मिसमैच गुलजार के द्वारा। बॉल को कृपया अंदर भेज दें। उठो दीजिए बॉल को कृपया अंदर भेज दें। एमडी साहब आप जहाँ कहेंगे कृपया करके उसका बेट के पास आ जाए। अरे बॉल फेंकी ना बस और ये काफी अच्छा शॉट अरे बंद कीजिए 0-0 की सर्विस सिमर एक ही ओर से सफसरगंज के लिए अच्छी सर्विस माउंट के द्वारा मौका है यहाँ पे गुजर के बस अच्छा स्मैश करने का और सफोर उस गेंद को नहीं बना पाएंगे और इसके साथ ही चेंज होता हुआ 0-0 की सर्विस होगी सफसरगंज की ओर से कुर्शेल सॉरी सिमरिया के लिए और शाहजहां के द्वारा काफी अच्छा स्मैश ब्लॉक सही तरह से नहीं कर पाएगी बाहर चली जाएगी और इसके साथ ही एक बार फिर से चेंज होता हुआ महमूद की ये सर्विस 0-0 की सर्विस सिमरिया खिलाड़ी महमूद के द्वारा अच्छा स्मैश और पुनः चेंज करने में कामयाब गुलजार एंड कंपनी 0-0 और एक बार फिर से नेट में उलझा दिया महबूब ने इसके साथ ही खाता खुलता हुआ सिमरिया सफसरगंज का सफसरगंज का खाता खुलता हुआ 1-0 की सर्विस आएगी सफसरगंज की ओर से सिमरिया के लिए और शाहजहां के द्वारा अच्छा स्मैश मौका यहां बनाने का प्रयास करेंगी गुलजार बहुत ही जीरो रन की सर्विस बहुत ही अच्छा भरगे छिड़क के चले जाएंगे तौफीक के हाथों से और इसके साथ ही चेंज होता हुआ और हीटे जा ना और कैल्शियम जीरो गलत कथा कहूँ कैल्शियम जान जमी जीवे और ठंडा मौसम ऐसे जाए ना तो देखो खून जे रखम आसे जाओ तो खून करबे तले तुम भल लागबे एमडी साहब आप जहाँ कहेंगे कृपया करके इस कोर्ट के दोनों टीमें थोड़ा ध्यान से सुने ये सेट जो है 10 सेट का ही है 10 का सेट होगा अब दर्शक थोड़ा आप भी ध्यान देंगे 10 का सेट होगा। अच्छा ओ ये हॉकी फायर सिमरिया खिलाड़ी की इस्माइल के द्वारा आज उनके खिलाड़ी जयपुर नहीं खेल रहे हैं तो ज्यादातौर पे जो जिम्मेदारी है इन 3-4 प्लेयर पे ही ज्यादा रहेगा। क्या हो रहा है और ये बहुत ही सुंदर ब्लॉक शाहजहां के द्वारा और उसका बेनिफिट मिलेगा फायदा मिलेगा चेंज के रूप में लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला है सिमरिया का। सिमरिया को सबसे पहले खाता खोलने की जरूरत है 3-0 की सर्विस और अच्छा प्रहार लेकिन गेंद बाहर चली जाएगी अंपायर मोहम्मद माशरूफ के द्वारा आउट करा दिया गया जिसका फायदा मिलेगा 1 अंकों का इजाफा होगा सबसे नजदीक खाते में बहुत ही तगड़ा प्रहार और तौसीफ ने गेंद बनाया यहाँ पे वो बहुत ही सुंदर ब्लॉक खबीर के द्वारा और इसके साथ ही चेंज करने में कामयाब 0-4 की सर्विस होगी अच्छी सर्विस महमूद के द्वारा लेकिन इस प्रहार को नहीं रख पाएंगे बहुत ही उम्दा लाजवाब धमाकेदार प्रहार गुलजार के द्वारा वाला पार है तो बॉल फ्री पैच 4-0 की सर्विस
लाजवाब प्रहार, वाह वाह स्मैश, लवली स्मैश, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेला ये शॉट और इसके साथ ही फायदा मिलेगा शाहजहान की टीम सिमरिया को, खाता खुलता हुआ सिमरिया का 1-4। ध्यान में थकना है। कुछ गलतफहमी के कारण ना स्कोर बोर्ड जो है वो आगे बढ़ गया था, अब जो स्कोर होगा 0-4 की सर्विस आएगी सिमरिया की ओर से, सर्विस करेंगे महबूब है जो महबूब पिछले 2-3 साल पहले बहुत ही अच्छे स्मैशर के रूप में जाने जाते थे और अब जो है कुछ कारणों से उनका खेल कुछ खराब हुआ है और अब जो है लगातार वो प्रयास कर रहे हैं महबूब कि अपने टीम के लिए बेहतर करें और कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि वो पिछले फॉर्म में आ रहे हैं और ये काफी अच्छा प्रहार टच हो गया था नेट जिस वजह से चेंज हो जाएगा। 4-0 की सर्विस आएगी अगली सर्विस से सबसेगंज की ओर शेष सिमरिया के लिए, अच्छी सर्विस करी, मौका है यहाँ पे महबूब के पास, हल्के हाथों से स्मैश किया और तब से प्रयास गेंद को धकेल दिया दूसरे खेमे में और ये बहुत तगड़ा पड़ा शाहजहां के द्वारा। फिर से मौका है यहाँ पे, खबीर ने गेंद बनाया है यहाँ पे इस्माइल के लिए, इस्माइल का जबरदस्त शॉट, अंपायर लाइंस मैन का इशारा है आउट, तो इसके साथ ही चेंज होता हुआ 5। अच्छा शॉट चेंज होता हुआ, अब अगली सर्विस आएगी 0-5 की सर्विस होगी। 10 अंगों का ही यह सेट है, इसमें से 5 अंक अर्जित करने में कामयाब हो चुकी है शमशेरगंज और मौका बनाया खबीर ने शाहजहां के लिए, शाहजहां का अच्छा इसमें से, लेकिन समीर बिल्कुल फिट है, तैयार है और इस गेंद को नहीं बना पाएंगे महबूब और गेंद उनके हाथ से चली जाएगी। लाजवाब स्मैश, तौसिफ के पास मौका है और गुलजार ने काफी अच्छा स्मैश किया, इसके साथ ही कंटिन्यू करने में कामयाब 6-0। दिलारपुर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला शमशेरगंज बनाम सिमरिया के बीच में जारी है और इस वक्त स्कोर बोर्ड में स्कोर है 7-0। ओह मौका जैसे ही मिला, छोटी बॉल और बहुत ही लाजवाब स्मैश गुलजार के द्वारा जिसका फायदा मिलेगा, एक और अंक हुआ इजाफा होता हुआ और फासला लगातार बढ़ता हुआ 0-8-0। बहुत ही अच्छा प्रहार, ओह बहुत ही दमदार प्रहार करने का प्रयास, गेंद बाहर चली जाएगी और अंपायर का इशारा आउट करार दिया गया जिसके साथ ही चेंज होता हुआ 0-8। और इस्माइल का काफी खूबसूरत अंदाज से ये शॉट और इसके साथ ही खाता खोलने में कामयाब सिमरिया 1-8। ओह बड़ा शॉट, बहुत ही तगड़ा प्रहार माइनुल के द्वारा, माइनुल ने चितोरिया बांसवाला वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन काम किया था जब खास करके वो आजमगढ़ यूपी के टीम के खिलाफ खेल रही थी तो उस टूर्नामेंट में उस मैच में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था जबकि उनकी विपक्षी टीम आजमगढ़ थी। आजमगढ़ की टीम के विपक्ष में अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही अच्छा स्मैश।
और इसके साथ ही गेम प्लीज पहला सेट जीत लिया है।